दोस्तों, आज मैं प्रोफेसर अब्दुल समद साहब उर्दू फिक्शन के एक नामवर फिक्शन निगार से उनके हम असर, वो भी नामवर फिक्शन निगार हैं और इन दिनों वो अलील भी हैं, वो मेरे रिश्तेदार भी हैं। मैंने कोशिश की थी कलकत्ता क्याम के दौरान कि उनसे मैं गुफ्तगू करूं, लेकिन उन्होंने मना कर दिया कि मैं अभी इस हैसियत में नहीं हूं कि 5-10 मिनट भी मैं बैठ पाऊं। मैं ये चाहता हूं अब्दुल समद साहब कि आपके हम असरों में अनीस रफी का एक बड़ा मकाम है। आप जब भी जिक्र किया है तो उनके नामों को बहुत इज्जत के साथ लिया है और उनके कारनामों का भी जिक्र किया है। तो हम चाहेंगे कि एक छोटा सा एक वीडियो बन जाए जिसमें आपके जो ताल्लुकात हैं अनीस रफी साहब से, तो उनकी शख्सियत और फन के हवाले से आप छोटी सी गुफ्तगू कर लीजिए। तो बहुत अच्छा मौजू है ये, दोस्तों के बारे में अलग अलग भी मेरे साथ अगर चाहिए आप कर सकते हैं आप। जी, अनीस रफी हमारे 40-50 बरस के दोस्तों में शामिल है जी, और उनसे मेरी दोस्ती हमेशा बरकरार रही। वो ऐसे एक इंसान है कि अगर मैं 10 बेहतरीन आदमियों का की फीस अगर बनाऊ जी, तो उसमें यकीनन अनीस रफी का भी नाम हो। इंतहाई शरीफ आदमी, इंतहाई गैर जानबदार आदमी, अब क्या बताने उनकी क्या क्या खसूसियात सब हैं। अब बेहतरीन अफसाना निगार, उन्होंने अफसाना निगारी उस वक्त शुरू की थी जिस वक्त जदीदियत का दौर दौरा नहीं शुरू हुआ था, लेकिन उस वक्त भी उनके अफसानों में वो स्पार्क था जी, जो बाद में और जो है उशोला बना उसमें जी। उन्होंने अपने ट्रेडिशनल जो अफसाना निगारी हो रही थी उसे अलग हट के उन्होंने अपनी राह अपनाई थी और वो उसी राह पर हमेशा कायम भी रहे। उन्होंने अफसाने, बहुत अच्छे अफसाने बार बार लिखे हैं और उनके अंदर बेइंतहा तख्लीकी सलाहियतें हैं और वो नॉवेल भी लिख सकते थे, लेकिन मुश्किल ये हो गई कि उन्होंने एक बहुत मशहूर जिंदगी गुजारी जी। शुरू उन्होंने की एक कॉलेज के लेक्चरर की हैसियत से, बाद में वो रेडियो में चले गए, वहां से मुख्तलिफ ओहदों पर होते हवाते दूरदर्शन गए और दूरदर्शन के डायरेक्टर की हैसियत से वो रिटायर हुए। उसके बाद उन्होंने कई चीजें लिखी है। तो अनीस रफी जो है उनके साथ यह है कि जब भी उनका ख्याल आता है, जब भी जहन में उनकी छवि उभरती है तो एक नहायत ही मेहरबान दोस्त की छवि उभरती है। एक बेहद मुखलिस आदमी जो हर आदमी के साथ जो है मुखलसाना रवैया रखता है और मोहब्बत का सलूक करता है जी। वो आदमी मुनाफिक नहीं है, वो आदमी जो है, एक बार याद है मुझे हमारे दोस्त हुसैन गर्ग है, वहां दिया में जिंदा थे बेचारे, हमारे बहुत अच्छे अफसानेगार हम असर भी थे। अनीस रफी किसी काम से गया गए थे तो वो ठहर गए हुसैन गर्ग पे जी। तो हुसैन गर्ग ने मुझको फोन किया जब चले आए अनीस रफी कि भाई मेरे यहाँ अभी ठहरे हुए थे शाह अनीस रफी। मैं समझा नहीं कि शाह अनीस रफी कौन है भाई, खान साहब को शाह साहब उसे कहा कह रहे कि अरे ये है तो कह रहा मैं पठान, इसमें ज्यादा ही पठानी नहीं, तो पक्का सही है ये भाई कहीं बना तो गुफ्तु नहीं शख्सियत का वो पहलू है। वो आदमी जो है हमेशा हम लोग को याद रहेगा और वो आदमी कभी भूलने की चीज ही नहीं है। एक बार जो है उन्होंने दूरदर्शन में आपको प्रोग्राम के लिए बुलाया, हाँ मुजफ्फरपुर में थे डायरेक्टर, बुलाए थे उन्होंने और हम लोग जो है कई घंटा वहां साथ रहे थे। मुमताज अहमद खान जिसका भी इंतकाल हो गया, उन्होंने इंटरव्यू मेरे रिश्तेदार थे और इनके भी रिश्तेदार थे, उन्होंने इंटरव्यू लिया था। अनीस रफी जब इंटरव्यू हो गया तो अनीस रफी ने कहा कि भाई बगैर खाना खाए हुए नहीं जाना होगा, मेरी अहलिया ने आपके लिए खाना तैयार किया है। खैर मैं उनके जो सरकारी क्वार्टर था बहुत अच्छा लैटर क्वार्टर था, वहां मैं गया तो उनकी बीवी बेहद अखलाक से मिली और उन्होंने बहुत बेहतरीन खाना लगाया। एक बैग उनको याद आया बीवी को उनके, कहा समर भाई आपके साथ ड्राइवर भी तो होगा, हमने कहा कि हाँ है, वो कैसे खाना नहीं खाएगा उसको बुलाइए। चुनाचे उन्होंने ड्राइवर को ऊपर बुला के हम लोग के साथ टेबल पर बैठा के खाना खिलाया जी। ये सब बातें भूलने की नहीं होती है शायद। देखिए ये तो जिसको हिंदी में कहते हैं संस्कार का प्रतीक होता है, ये तो बुरे संस्कारों की देन होती है। बहुत अच्छी औरत है वो, बहुत, और उन्होंने बीमार नहीं है, कई बार बीमार पड़ी है हुए, लेकिन बीमारी से हटने के बाद जो है उन्होंने अनीस रफी को बेइंतहा जो है मदद की है और अनीस रफी के साथ हमेशा खड़ी रही है वो जी जी। और परेशानियां उठाई हैं जैसे बीमारी से, बच्चे की बीमारी से, लेकिन वो मर्द मुजाहिद की तरह
सारे मामलात और फराइज को बखूबी अंजाम देते हुए इस मुकाम तक पहुंचे और तीन मजमूए उनके सामने आए। मैं कोशिश करूंगा कि एक बार फिर जो है मैं जाऊंगा और कुछ भी अगर वो बात कर सके तो मैं बात करूंगा। और मैं आपका बेहद शुक्रगुजार हूं कि आप अपने एक हम असर के बारे में अच्छे कलमात से नवाजे और मैं आपके उस वादे को जो रिकॉर्डेड वादा है कि आप दूसरे हम असरों के बारे में बात कर सकते हैं तो मैं आपको कई हम असरों के बारे में बात करूंगा, उसमें फिक्शन निगार भी होंगे और नाकिद भी होंगे। जी बहुत अच्छा।